सरल भारत संस्कृति, जो आपको जोड़े भारत की संस्कृति से। धार्मिक ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता का अनूठा स्थान है, क्योंकि इसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को गीता के रूप में अपनी विशेष कृपा प्रदान की है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गीता जयंती 4 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि को गीता का उपदेश दिया था। इस तिथि को हर साल गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन ही मनुष्य को अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाली गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से संसार में आई थी। महाभारत के समय जब अर्जुन ये सोचकर हतोत्साहित हो गए कि वे किस प्रकार से अपने पितामह गुरु द्रोण कौरव भाइयों के खिलाफ शस्त्र उठाएंगे, तब वे गांडीव छोड़कर बैठ गए। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है। हार जीत, जीवन मरण, दुख शोक हर्ष जैसी अनेक चीजों पर उनका कोई वश नहीं है। आत्मा अमर है, बस शरीर नश्वर है। सृष्टि में जो कुछ होता है वह सब उनकी वजह से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, तब अर्जुन को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तथा वे युद्ध के लिए खड़े हुए।